नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हम बगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे राजस्थान से जुड़ी आज की बड़ी खबरों की। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो राजस्थान में छात्राओं को निःशुल्क स्कूटी देगी गहलोत सरकार, इन बेटियों को मिलेगा फायदा। राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार प्रदेश की 2 लाख लड़कियों को फ्री स्कूटी देने जा रही है, इसके लिए विधिवत बजट की घोषणा भी कर दी गई है। दरअसल सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकराम जूली ने शुक्रवार को विधानसभा में आश्वासित किया कि कालीबाई फील मेधावी छात्री जो छात्रा स्कूटी योजना उसको सामान्य श्रेणी से संबंधित आर्थिक पिछड़ा वर्ग की पात्र आवेदक छात्राओं को वर्ष 2021-22 और तथा वर्ष 2022-23 की बकाया स्कूटी का वितरण आगामी महीने के अंदर यहाँ पर किया जाएगा, यानी आगामी जून महीने के अंदर कर दिया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि इसका जो टेंडर है वो हो गए हैं और वर्ष 2021-22 की कट ऑफ की सूची जो पोर्टल है उसके ऊपर जारी कर दी गई है। बात अब करते हैं अगली खबर की। तो राजस्थान में पांचवी बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों का हो चुका है ऐलान, 13 से 21 अप्रैल के बीच होगी परीक्षाएं। राजस्थान में पांचवी बोर्ड परीक्षाएं जो है 13 से 21 अप्रैल तक चलेगी। शिक्षा विभाग ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। परीक्षा में किसी तरह की अनुसूचित साधना का प्रयोग करना पर पाबंदी रहेगी। वही पांचवी बोर्ड परीक्षा जो है करीब इस परीक्षा के अंदर 15 लाख विद्यार्थियों की परीक्षा जो है 13 अप्रैल से शुरू होगी। वही शिक्षा विभाग ने इसको लेकर जो है टाइम टेबल जो है वो जारी कर दिया है। वह जारी टाइम टेबल के मुताबिक 13 अप्रैल को अंग्रेजी का पेपर होगा, 14 को अंबेडकर जयंती के अवकाश रहेगा, 15 अप्रैल को हिंदी का पेपर होगा, 16 को रविवार का अवकाश चलते छुट्टी रहेगी। इसी प्रकार 17 अप्रैल को गणित और 19 अप्रैल को पर्यावरण अध्ययन और 21 अप्रैल को विशेष संस्कृत उर्दू और सिंधी का पेपर जो है वो होगा। वही परीक्षाओं का जो समय है सुबह 8 से 11:30 के बीच तक यहाँ पर रखा गया है। वही पांचवी बोर्ड परीक्षाओं के प्रश्न पत्र जारी करने की पूरी जिम्मा जो है यहाँ पर SEIERT जो उदयपुर है उसके पास यहाँ पर है। परीक्षा के बाद ब्लॉक वाइज मूल्यांकन केंद्र पर विद्यार्थियों का जो उत्तर पुस्तिका है उनका मूल्यांकन किया जाएगा। बात अब कहते हैं अगली खबर की। तो होली पर राजस्थान के 15 जिलों के लोगों को बड़ी खुशखबरी, कंफर्म होगा अब हर टिकट। होली के त्यौहार पर राजस्थान के 15 जिलों के लोगों के लिए अच्छी खबर निकल कर सामने आया। दरअसल होली के त्यौहार पर राजस्थान के लोगों को रेलवे ने सौगात दी है। दरअसल होली पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने ट्रेनों में अतिरिक्त डिब्बे लगाने का फैसला किया है, जिससे यात्रियों का जो भार है वो बढ़ने पर रेलवे उसकी यात्रियों किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े, यानी यात्री बढ़ने पर रेलवे और यात्रियों को किसी प्रकार का कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। बताया आपको कि होली के अवसर पर उत्तरी रेलवे ने 12 जोड़ी रेलगाड़ियों में 13 डिब्बे अस्थायी रूप से बढ़ाने की बात कही है। इसे त्योहारी सीजन में यात्रा करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी, इसकी जानकारी जो है रेलवे प्रबंधक की ओर से दी गई है। दरअसल जोधपुर और दिल्ली के बीच चलने वाले रोहला जोधपुर रेल सेवा में जो डिब्बे है इसमें बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा जयपुर यहाँ पर जोधपुर से बांद्रा के बीच चलने वाली ट्रेन में भी बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा बीकानेर दादर बीकानेर रेल सेवा में इन सभी यहाँ पर 2 डिब्बों की यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा जैसलमेर से साबरमती के बीच चलने वाली ट्रेन के अंदर भी बढ़ोतरी की गई है। जोधपुर साबरमती के बीच चलने वाली रेल में इसमें यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा बाड़मेर से मथुरा जाने वाली ट्रेन में भी यहाँ पर डिब्बों में बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा भगत की कोठी जो रेल यहाँ पर जो है भगत की कोठी से यहाँ पर चलने वाली जो ट्रेन है इनमें भी यहाँ पर बढ़ोतरी यहाँ पर भगत की कोठी से दादरची तक चलने वाली जो ट्रेन है उसमें बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा जोधपुर से वाराणसी और जोधपुर से वाराणसी और इसके अलावा बाड़मेर से यशवंतपुरा चलने वाली जो ट्रेन है उसमें बढ़ोतरी यहाँ पर की गई है डिब्बों की। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो अगली खबर मौसम को लेकर है। राजस्थान में मौसम पलटा, बरसात ने कई जिलों को भिगोया, 19 जिलों में हल्की बारिश की है संभावना। राजस्थान में मार्च महीने की शुरुआत के साथ ही तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है, कभी कम तो कभी यहाँ पर ज्यादा नमी के कारण जनजीवन तेजी से प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग के माने तो आगामी 24 घंटों में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से प्रदेश के 19 जिलों में मेघगर्जन के साथ बूंदाबांदी और हल्की बारिश हो सकती है। वह इस बार सीजन में यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान में औसत से ज्यादा गर्मी पड़ने के आसार है। वही अजमेर शहर सहित आसपास के कई इलाकों में कल शाम तेज हवा के संग बरसात हुई, करीब करीब 15 से 20 मिनट तक यहाँ पर तेज गर्जना के साथ हल्की फुहारों ने भिगोया। वही बरसात होने से मौसम जो है यहाँ पर मौसम ठंडा हो गया, हल्कापन यहाँ पर हो गया। वही जयपुर मौसम विभाग केंद्र के अनुसार आज जो है उदयपुर कोटा संभाग के कुछ जिलों में बारिश की संभावना है। नया पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के आसार से धूल भरी हवा चलने की संभावना है। वही जिन 19 जिलों में अलर्ट जारी किए गए उनमें जयपुर अजमेर और बांसवाड़ा बारा बूंदी और चित्तौड़गढ़ डूंगरपुर झालावाड़ प्रतापगढ़ राजसमंद सिरोही और उदयपुर
बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर में मेघगर्जन के साथ बारिश होने के आसार जताए गए हैं। मेघगर्जन यानी बादलों के गड़गड़ाहट के साथ बारिश की संभावना जताई गई है।